स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर से खबर, जहां मिली भगत का ये कैसा खेल सामने आया है। फार्म हाउस के नाम पर अवैध स्कीम काट दी गई। मेन अजमेर रोड पर अजमेरा गार्डन में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण। मास्टर प्लान में आरक्षित है नर्सरी लैंड यूज, फिर भी नियमों को ताक में रखकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। स्कीम में सृजित किए जा रहे छोटे छोटे फार्म हाउस तो ऑक्सीजन टैंक के रूप में विख्यात अजमेरा गार्डन अब कंक्रीट निर्माण में बदला है। और स्थानीय लोगों ने जेडीए आयुक्त से लेकर परिवर्तन प्रकोष्ठ से भी शिकायत की है। कार्यवाही होना तो दूर, अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और रसूख का इस्तेमाल कर कॉलोनाइजर ने गार्डन में ही सड़क बना दी, सड़क डाल दी गई है गार्डन में। तो जेडीए में उक्त फार्म हाउस के लिए एक भू कारोबारी ने 90A की लगाई थी पत्रावली। जेडीए की मास्टर प्लान शाखा ने लैंड यूज में बदलाव करने से इनकार किया। तो मिली भगत के चलते फार्म हाउस सृजित कर निर्माण किया जा रहा था। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये जानकारी जुड़ी हुई है अवैध निर्माण को लेकर, क्योंकि जयपुर में मिली भगत का ये खेल चल रहा है। और ये मिली भगत का खेल, फार्म हाउस के नाम पर अवैध स्कीम काट दी गई। मेन अजमेर रोड पर अजमेरा गार्डन में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। मास्टर प्लान में नर्सरी लैंड यूज आरक्षित है, लेकिन फिर भी नियमों को ताक पर रख दिया जा रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है। इन जो नियम है उससे इतर और स्कीम में सृजित किए जा रहे छोटे छोटे फार्म हाउस, ऑक्सीजन टैंक के रूप में विख्यात अजमेरा गार्डन अब कंक्रीट निर्माण में बदला है। स्थानीय लोगों ने जेडीए आयुक्त से लेकर परिवर्तन प्रकोष्ठ से भी शिकायत कर दी, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी ये कह सकते हैं, यानी कि वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सहयोगी राम सिंह हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, ये पूरा मामला अवैध निर्माण का है, मिली भगत का सामने आ रहा है, विस्तार से इस पर जानकारी दे। देखिए मेगा, ये अजमेर रोड पर अजमेरा गार्डन जो बहुत पुराना है, और मास्टर प्लान 2011 से पहले भी इसका जो लैंड यूज था वो नर्सरी लैंड यूज था, जिसमें कोई बदलाव निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन भू कारोबारियों ने इसमें निर्माण चालू कर दिया, छोटे छोटे फार्म हाउस सृजित करके कार्रवाई निर्माण जारी कर दिया। हालांकि इन्होंने बचाव के लिए एक फाइल लगाई थी 90A, लेकिन मास्टर प्लान शाखा ने मना कर दिया कि लैंड यूज चेंज नहीं होगा, नर्सरी उद्योग ही रहेगा। और अब चूंकि वहां से नहीं हुआ तो अभी उन्होंने अवैध रूप से निर्माण चालू कर दिया, परिवर्तन प्रकोष्ठ से मिली जुली करके और निर्माण जारी है। और क्षेत्र के लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का ये कहना है जैसा अभी ये कम से कम ग्रीन बेल्ट के रूप में जब मास्टर प्लान में है तो फिर लोगों को ऑक्सीजन के रूप में ये विख्यात भी है और मिलती रहनी चाहिए, लेकिन कंक्रीट के रूप में ये बदला जा रहा है, जो कि गलत है, नियमों के खिलाफ है। राम सिंह, इस निर्माण को लेके, अवैध निर्माण जो हो रहा है उसको लेकर स्थानीय लोगों ने जेडीए आयुक्त से भी शिकायत की है, परिवर्तन प्रकोष्ठ में भी शिकायत की, उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्शन नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। देखिए लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि परिवर्तन प्रकोष्ठ जो मुखिया है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, परिवर्तन अधिकारी भी मौके पर पहुंच के कोई कार्रवाई नहीं की, निर्माण नहीं रुकवाया, इसको लेकर लोग सवाल भी कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि जेडीए इसका कार्रवाई करके और ग्रीन बेल्ट के रूप में इसको रखेगा और विकसित करेगा। राम सिंह, कोई किसी तरह का दबाव माने जिसकी वजह से आयुक्त हो या प्रकोष्ठ हो, कोई भी शिकायतें मिलने के बावजूद, अवैध निर्माण होने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? आप ये देखिए, परिवर्तन अधिकारी को सब जानकारी में है, ऊपर के अधिकारी को भी जानकारी है, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण नहीं रुकवाया और नहीं कोई तोड़फोड़ की, न कोई ध्वस्त किया, और बल्कि भू कारोबारी को संरक्षण दिया जा रहा है। अब ऐसे में कोई उम्मीद आम लोगों को, क्योंकि वो लोग ही शिकायत लेकर पहुंचे थे, दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अब कोई उम्मीद रखते हैं कि क्या जेडीए जो है इस ओर ध्यान देगा?
देखिए क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि हम फिर गुहार लगाएंगे, अगर जीडी ने कार्रवाई नहीं की तो मंत्री तक जाएंगे और अपनी आवाज उठाएंगे और निश्चित रूप से नगरी विकास महकमा के जो मुखिया है वो कार्रवाई करेंगे और निर्देश देंगे जीडी को। राम सिंह, लेकिन अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, क्या वजह है कि अगर नियम के विरुद्ध अगर इस तरह का निर्माण हो रहा है उसके बावजूद अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए अधिकारी, अब लोगों का ये कहना, अधिकारी सिर्फ कागज देके रख लेते हैं, हम करेंगे कार्रवाई, देखेंगे, करेंगे, बस ये तालम तोल का रवैया अपनाया जा रहा है। इससे नुकसान कितना समझ आता है, क्योंकि ये मास्टर प्लान में है लेकिन उसके बावजूद मिली भगत के चलते, क्योंकि साफ नजर आ रहा है अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, जेडीए के पास पहुंचते हैं स्थानीय लोग, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं, तो जब ये निर्माण हो रहा है किस तरह नुकसान नजर आता है? देखिए मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया हुआ है कि लैंड यूज नर्सरी ही रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें जो अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर विरोध कर लूंगा कि जो मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य होना चाहिए और इसका नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं इसका। और क्या, क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, जेडीए सुन नहीं रहा है, क्या अब आगे सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाने की कोई उम्मीद या फिर इस तरह की कोई पहल स्थानीय लोगों द्वारा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, क्षेत्र के लोग करेंगे, नगरीय विकास मंत्री से पहली बात तो यह है, उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त से भी कर रहे हैं शिकायत और दोबारा करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर उच्च स्तर पर जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या वजह है कि अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, नियम कुछ और कह रहे हैं लेकिन नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा है और उस निर्माण को जेडीए रोक भी नहीं रहा है।